संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मधु गाबा आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। अंकल आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आंटी। अच्छा अच्छा ठीक। मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरु जी से मेरी मुलाकात कैसे हुई। और गुरु जी ने मतलब गुरु जी रब है, गुरु जी ही सब है। ये गुरु जी ने जो मैं कभी समझ नहीं पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी, वो सब गुरु जी ने अपना दिखाया कि हर युग में भगवान आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। इस युग में भी हमें राम गुरु जी मिले और सब मिले। वो गुरु जी से कैसे जुड़ी ये सब बताती हूँ। एक दिन मुझे किसी गुप्ता अंकल रहते हैं कर्मी धर्मी में गुड़गांव में, वो हमारे घर आए। वो मुझे जानते नहीं थे, शायद गुरुजी का बुलावा था, कुछ ऐसा हो गया कि वो हमारे घर आए और गुरुजी का सत्संग करने लगे। मुझे ये भी नहीं पता था सत्संग क्या होता है। उन्होंने ये बोला कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और गुरुजी को शिव रूप में आए हुए हैं और उनको माथा टेकने आप जरूर जाओ, और गुरुजी के बारे में बताने लग गए। लेकिन ना मैं थोड़ा सा चुपचाप थोड़ा सुन तो लिया, पर मुझे ये लगा कि ये भगवान कैसे, एक इंसान को भगवान कैसे कह रहे हैं कि शिव भगवान एम्पायर स्टेट में आए हुए हैं और उनसे जरूर मिलो। और उन्होंने ना लॉकेट में गुरुजी का स्वरूप दिखाया, उन्होंने लॉकेट पहना हुआ था। मैंने देख लिया और थोड़ा मन में यही आया कि भगवान तो सब जगह होता है, होंगे तो मिल जाएंगे, अगर सही होगा तो भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान को ढूंढना थोड़ी ना पड़ता है। ये कह के मैं चुप हो गई। मतलब उसके बाद हमारे यहाँ, मैं एपेक्स गुड़गांव में रहती थी, गोवर्धन पूजा थी पुष्करना आंटी के यहाँ, लंगर बन रहा था गोवर्धन पूजा का। तो हम लोग लंगर बना रहे थे तो उनके घर जगह जगह गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मेरे को ध्यान आया कि ये इनके बारे में तो गुप्ता अंकल हमारे घर में आए थे, ये तो वही है जो उन्होंने लॉकेट में दिखाया था। तो हम बालकनी में लंगर बना रहे थे और मैं गुरु जी की वही सब बातें जो उन्होंने की थी वो बातें करने लग गई। जब बातें कर रहे थे तो ओपन में लंगर बन रहा था और काफी तेज हवा चली और एकदम से पाइप में थोड़ी सी आग पकड़ ली, और आग पकड़ ली, हम लोग थोड़ा सा डर गए, लेकिन दुपट्टे से ऐसे से बंद किया और वो आग बंद हो गई। तो पुष्कर अंकल ने बोला, देखो आप गुरु जी की बातें कर रहे थे ना तो भगवान आ गए और देखो कैसे इतनी बड़ी आग बंद हो गई। फिर मुझे लगा कि वाकई ये तो जैसे मैं सोच रही थी, भगवान हर जगह होता है और ये तो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। चलो आज मैं गुरु जी को मिलने जाऊंगी। तो मैं गुरु जी को, मुझे पता नहीं था कि गुरु जी के यहाँ क्या सिस्टम होता है। मैंने फिर पुष्करना आंटी से बोला, आंटी आज मैं गुरु जी का मंदिर कहाँ है, किस जगह है, हम जाएंगे, तो आप भी चलोगे? तो उन्होंने बोला, आज तो हमारे घर बहुत लोग आए हैं, हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाना। तो मैंने उनसे रास्ता वगैरह पूछा और चली गई। जब जाने लगी तो एक गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने बोला, एक वो कपिल आंटी जा रही है, उन गाड़ी के पीछे पीछे आप ले लो, आप चले जाओ। मैं एम्पायर स्टेट चली गई। तो जब मैं एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी कैबिनेट पे शूज पैंट पहने हुए और कैबिनेट पे बैठे थे। तो और वहां मुझे, मैंने तो ऐसे कभी देखा ही नहीं था मंदिर में ऐसा सिस्टम, और दो आंटियां गुरुजी के हाथ पैर दबा रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये आंटियां इतनी सुंदर सुंदर और गुरुजी के हाथ पैर दबा रही हैं और गुरुजी शूज पहन के बैठे हैं। तो मैं गुरुजी को बार बार देखती जा रही थी, ये सब क्या हो रहा है। तो मतलब सबको ये सिस्टम, मुझे उस टाइम तो शब्द चल रहे थे पर मेरा शब्द में कोई ध्यान नहीं था, सबको आते जाते बार बार यही देख रही थी, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, बस वही क्वेश्चन आ रहे थे भगवान हो रहे हैं। तो ये सब न्यूज में तो मैं देखती हूँ कि एक दिन, मैंने दो तीन दिन पहले ही मैंने न्यूज में देखी थी, एक बाबा कभी ऊपर छुपता है, कभी नीचे बेसमेंट में छुपता है और ऐसे ऐसे गलत काम होते हैं। ये तो ओपन में ही किसी से हाथ पैर दबा रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। तो मेरा मन किया कि इनसे जाके मैं पूछती हूँ और ये लोग क्यों चुपचाप बैठे ये सब देख रहे हैं। तो इतने में गुरुजी कैबिनेट से उठ गए जब हम पूछने जाने लगे थे, और गुरुजी रूम में चले गए और चोला चेंज करके अपने सीट पे आकर बैठ गए, आसन पे आकर बैठ गए। जब वहां बैठे तो फिर बूटा सिंह आ गया, वो गुरुजी के पैर दबाने लगा। जब गुरुजी के वो पैर दबाने लगा तो मुझे लगा यहाँ तो बड़े बड़े नेता भी आते हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है, और सब ये चुपचाप आंखें बंद करके चुपचाप ये देख के और कैसे रहे हैं।
तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो हम गुरुजी के पास जाके पूछ ही लेते हैं कि अगर आप भगवान हो तो इतना पाप धरती पे क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो मैंने दो चार लोगों से बोला कि आप चलोगे पूछने, तो सबने मुझे चुप करा दिया। मुझे नहीं पता था कि वहां बोलना अलाउड नहीं होता, तो सबने ऐसे बोला चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो कपिल आंटी भी वहां पर थी जिनकी गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी ली थी, उनसे बोला, मैंने कहा आंटी आप चलोगे पूछने, तो उन्होंने भी बोला चुप हो जाओ, इशारा किया ऐसे। फिर मैं खुद ही गुरुजी के पास चलेगी, गुरुजी अपनी सीट पे विराजमान थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप कौन हो, आप अगर भगवान हो तो इतने पाप दुनिया में क्यों हो रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े सारे मन में क्वेश्चन थे, एक जैसे भगवान से पूछने की भगवान कैसे हो सकते हैं, पर गुरुजी ने किसी बात का मुझे जवाब नहीं दिया और हाथ से इशारा किया जाओ जाओ। तो मैं कई क्वेश्चन किया गुरुजी से भी, अगर इतना सब रहा है तो इतनी खेती खत्म हो रही है हमारे देश में, ये सब क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने फिर हाथ से इशारा किया जाओ 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 बार बार। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं गुरुजी से ऐसे क्वेश्चन कर रही हूँ और ये मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। तो बहुत तेज तेज हाथ हिलाने लग गए, जाने का इशारा किया। तो थोड़ी देर में ही वहां पर लंगर स्टार्ट हो गया, मैट लग गई एम्पायर स्टेट में, लंगर स्टार्ट हो गया। वहां पर एक सिंगल अंकल थे, उस टाइम मुझे उनका नाम नहीं पता था, बाद में पता चला। तो उन्होंने मुझे बहुत तेज डांटा, आंटी की लोड सी आंधे पुछन लग गई है, आप कौन हो, इजी अप्रोच है तो अपने आप नु की समझते हो। तो ऐसे बहुत तेज डांटा कि मतलब आप भगवान से पूछ रहे हो कि आप कौन हो। तो मैंने कहा ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया, आप आंटी बोल रहे हो और मुझे इतनी तेज डांट रहे हो, मैंने ऐसा क्या, यही तो पूछा है। तो ऐसे मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उस टाइम छोटे थे, मेरी बेटी 6 इयर्स की थी, बेटा 10 इयर्स का था। तो मैंने बच्चों को, बेटी को गोदी उठा लिया, मैंने कहा हम ऐसी जगह लंगर नहीं करते जहां ये पाप होता है। मैंने क्या पूछा, आप लोग तो मुझे इतना गुस्सा कर रहे हो। और रोते रोते मैं बाहर आ गई, बहुत रोई और बाहर आ गई। और कपिल आंटी जो जिनकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ली थी, तो उनको भी डांटा कि कैसे कैसे लोगों को लेके आते हो, यहाँ मंदिर का सिस्टम नहीं समझाते, तो उनसे पूछ रहे हो आप कौन हो। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इतना ही पूछा ना, भगवान है तो पाप क्यों हो रहे हो, क्यों हो रहे हैं। तो बस मैंने रोते रोते फिर हम लोग वहां से मंदिर से घर आ गए। घर आए तो रास्ते में बहुत रोई, बहुत रोई, इतना मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं रोई थी जो उस दिन मैं रोई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने क्या गलत किया है और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने तो यही बोला है अगर इतने देश में पाप हो रहे हैं आप भगवान कैसे हो सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है ना, आज के बाद हम नहीं आएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को रात को लेके आ जाओ और इनका ये सब कुछ देखो, ये सब क्या हो रहा है। तो ठीक है, हमें जवाब मिल गया, जिनको आना है आने दो, तुमने थोड़ी ना सबका वो लिया हुआ है, तुम मत आना, हम नहीं आएंगे। तो ये बोलते बोलते मैं रोते हुए जा रही थी, ये सब बातें याद कर रही थी, कितनी तेज उस अंकल ने मतलब डाटा और ऐसे से। बस पूरे रास्ते एम्पायर स्टेट से लेके गुड़गांव तक पूरे रास्ते रोते रोते घर पहुंच गई। तो मेरे हस्बैंड बार बार समझाते रहे कि चुप हो जाओ, आज के बाद नहीं आएंगे। जब मैं घर पहुंची, थोड़ी देर बहुत मेरा सर दर्द हो रहा था, हैवी हो रहा था, और एकदम से मैं ऐसे थोड़े सहारे से बैठ गई और मेरे हस्बैंड सो गए। तो मेरे पूरे घर में ना खुशबू ही खुशबू आने लगी, फ्रेग्रेंस आने लग गई। तो मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मैंने सारे घर में देखा, इधर देखा उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा समझ ही नहीं आ रहा, ऑल आउट में से तो कभी ऐसी खुशबू आती नहीं, ये कहाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने पूरी गुलाब की बगिया रख दी हो। तो मैंने कहा ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं देखी, कहाँ से आ रही है। उठ के सब देखती रही, समझ ही नहीं आया कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ी देर में, इतने में मैंने देखा गुरुजी सामने आ गए। तो और बड़ा मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था, हम तो एम्पायर स्टेट गए थे, तो बड़े मंदिर में जो नाग देवता और शिव जी का वो है पौंड है वो पूरा दिखाया, वहां पे कभी गुरु जी बैठ रहे हैं कभी शिव जी बैठ रहे हैं, तो ऐसे सारा दिखाया और ऊपर का शिवलिंग दिखाया, सब कुछ दिखाया। और गुरुजी फिर आके खड़े हो गए और सारी उनकी जटाइयों से वो सारा अमृत आ रहा है। और मेरे को, मेरा जैसे बहुत सर हैवी हो रहा था, पूरा शांत किया और गुरुजी ने बोला ये ले ये पी ले। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है,
तो बोलते हैं ये लो ये पी लो। और मैंने कहा हाँ गुरुजी ये तो बहुत मीठा है, और मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई। मैंने कहा गुरुजी और दो, तो गुरुजी ने बोला बस तेरे लिए यही बहुत है, अब देख तू कैसे, मतलब ऐसे कुछ वर्ड बोला, मुझे ध्यान नहीं है, यही बोला कि बहुत है तेरे लिए, इतना ही बहुत है। मैं पर गुरुजी के पीछे पीछे थी और गुरुजी से बार बार कह रही थी और दो, तो गुरुजी ने यही बोला ठीक बहुत है तेरे लिए। और बस उसके बाद मैं जो है सो गई, सो गई तो सुबह उठी बहुत अंधेरे में चेंज हुआ, जैसे चेंज किया मुझे तो बाद में ये चीजें रियलाइज हुई। जब मैं उठी तो पहले उठ के हम ना ओम जय जगती श्यारे मंदिर में गाते थे, हमारे यहाँ जो माता की फोटोस हनुमान की जो भी मंदिर बनाया हुआ था वो सब थी। तो सुबह उठ के पता नहीं क्या हुआ मैं हंसने लग गई और बोलने लगी तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का ये नाता है। तो मैंने कहा मैं तो रोज आरती करती थी आज ये मुझे गाने कहाँ से याद आने लग गए हैं। तो पता नहीं ऐसे घर में फिर डेली खुशबू आती थी और मुझे नहीं पता था कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही, तो मैं साथ वाले घर कभी ऊपर कभी नीचे कभी कहाँ पहुंच जाती थी कि आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है। तो एक दिन ना संडे था तो मेरी पड़ोस वाले ने बोला हे भगवान आज हमारे घर कोई भी नहीं नहाया, कोई हमने अगरबत्ती नहीं जलाई, क्या हो गया। तो उसके बाद मैंने मुझे उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मंदिर है और गुरुजी का है तो तुम्हें गुरुजी के पास जाना चाहिए। बस फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर फिर एम्पायर स्टेट मतलब नहीं फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई, मुझे वो गुप्ता अंकल ही बड़े मंदिर लेके गए। मैंने कहा मुझे मंदिर दिखाओ कौन सा है। फिर उस मंदिर में जब मैं पहुंची तो वहां पर मैंने कहा अरे यही तो मैंने सारा देखा था रात को शिव जी का और यही सब कुछ। और वहां पे गुरुजी के साथ एक मास्टर जी है, इस टाइम नहीं है उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उस टाइम वो मास्टर जी थे। तो उन्होंने मुझे एकदम हग कर दिया तो कहने लगे तुम बहुत लकी हो गुरुजी तुम्हें याद कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगे सत्संग सुनाओ। उन्होंने बड़े मंदिर के आगे जो जगह है ना वहां पर आगे बिठा लिया, वहां पे बड़े मंदिर के हॉल के बाहर जो जगह है, तो सत्संग सुनाओ। मैंने कहा सत्संग क्या होता है, कहने लगे वो जो तुम्हें रात को गुरुजी ने सारा दिखाया था ना वो सब सुनाओ। तो मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था, वो तो मलेरकोटला में रहते हैं पंजाब में, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। तो उन्होंने सारा मेरे से वो सब सुना और बोला यही सत्संग होता है। और फिर मैंने थोड़ा सा मिस कर गई थी इसमें से, तो उन्होंने कहा वो भी तो उन्होंने बोला कि मैंने बताओ, मैंने कहा मुझे लगा कि पता नहीं मैंने बताया, बड़ा कंफ्यूज हो रहा था इनको कैसे सारी बातें पता है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने जो मुझे वो पानी पिलाया था ऐसे बोला कि वो कौन से कलर का था। तो उन्होंने बोला कि जिस टाइम गुरुजी तेरे पास गए थे ना आंटी रात को ना 2 बजे वो मेरे पास ही बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि मैं वहां जा रहा हूँ, और उन्होंने ये बोला था अभी भी वो विश्वास नहीं करेगी इसलिए उन्होंने मुझे मंदिर भेजा है कि उसे सत्संग सुनो और तेरे से ये डाउट पूछेगी। फिर मुझे थोड़ा सा विश्वास हो गया कि हाँ ये सब होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया ये सब मेरा सपना नहीं है और ये खुशबू और ये सब कुछ होगा, अच्छा लगने लग गया। फिर मैं अपने हस्बैंड की ना गणेश की जहां स्टार्टिंग में गणेश जी का स्वरूप है वहां स्टार्टिंग में एक थल्ली सी है वहां पे बैठी अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी, और मेरी बेटी 6 इयर्स की थी। तो जब मैं वेट कर रही थी तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा ये फोटो ना हिल रही है और बोल रही है मैं गुरुजी का बेटा हूँ मैं गुरुजी का बेटा हूँ। तो मैंने उसको बोला चुप हो जा ऐसे नहीं बोलते, कहती नहीं मम्मा ये बार बार हिल रही है और बार बार बातें कर रही है, मैंने उसको चुप करा दिया। तो इतने में वो सिंगल अंकल ही आ गए और बोलने लगे आंटी मंदिर बंद होने वाला है, उस टाइम बड़े मंदिर में लंगर नहीं होता था एम्पायर स्टेट में होता था और लंगर यहाँ से बन के बड़े वहां जाता था एम्पायर स्टेट। तो अंकल ने बोला कि मैं एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ मंदिर बंद होने वाला है और तुम मेरे साथ एम्पायर स्टेट चलो और वहीं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जब हम उनकी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने बैठते ही सत्संग शुरू किया, कहने लगे तुझे पता है गुरुजी कहते हैं गणेश जी ना मेरा पुत्र हैगा। तो मैंने कहा ये तो मेरी बेटी भी कह रही थी कि वो मूर्ति मतलब बोल रही है ये मेरे पापा है मेरे पापा है, मैंने विश्वास ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला नहीं सच में ये मूर्ति की भी एक अपनी कहानी है,
सच्ची होगा, जो बच्चा कह रहा है तो झूठ नहीं है, और जिसको गुरुजी ने दिखाना होता है उसको दिखाते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत चीजें मतलब दिखाई। फिर हम गुरुजी के पास बहुत आने लगे, जाने लगे, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मतलब वो भी गुरुजी ने अपना विश्वास दिलाना, सब कुछ करना उन्हीं ने ही किया। तो एक खुश रहने लग गए। एक दिन की बात है, जहाँ गुरु जी की गाड़ियां खड़ी होती है मंदिर के पास, वहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ मतलब पत्थर पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। तो वहां पे ट्रैक्टर भी चलाया था एक अतुल अंकल ने, और हम लोग सारे ना पत्थर निकाल रहे थे बड़े बड़े पहाड़ कि वहां पे न्यू ईयर का फंक्शन होना है। तो इसको गुरु जी ने उस दिन मंदिर बंद कर दिया और बोला बाहर की जगह प्लेन करनी है, उसको ठीक करना है। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी, ऐसे गाने गाने लगी मैं कि यार बना, जबकि मैंने लाइफ में कभी ऐसी हरकत की नहीं। तो पता नहीं गुरु जी के मिलने के बाद ऐसा लगता था खुशबू आना, और गाने गाने लगी मैं कि यार बनाना नहीं, चाहे लोग बोले अब बोले आप लीक करेंगे। वो पूरा जो गार्डन है ना फ्रेगनेंस से, जैसे धुएं उड़ते हैं, पूरा फ्रेगनेंस से भर गया। तो वहां पुष्करना आंटी थी, उन्होंने थोड़ा सा डांटा, मधु जब देखो तो गुरुजी को जहां देखो बुला लेती है, वो इस टाइम ना एम्पायर स्टेट में समाधि लगा रहे होंगे, ध्यान लगा रहे होंगे, हर जगह ना डिस्टर्ब नहीं करते, वो आ तो जरूर गए हैं लेकिन भगवान को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। तो मैंने कहा भाभी मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं गुरुजी, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो मैं ऐसी बात है तो गुरुजी से माफी मांग लेती हूँ। जैसे मैंने कहा गुरुजी माफ कर दो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, उतने में ही 25-30 लोग थे, बहुत फ्रेगनेंस आई, उतने में ही मतलब ये सोचो 5-7 मिनट आती रही वो फ्रेगनेंस चली गई। तो ऐसे गुरुजी के पास आने लगे जाने लगे, और मतलब गुरुजी विश्वास भी दिलाने लगे कि वही सब कुछ है। जो भी घर में बात होती तो गुरुजी को वहां पता ही चल जाती थी कि वो बात हमने घर में की, तो गुरुजी कभी कभी उस इशारों में वो बात ही कह देते थे कि मतलब उनको सब पता है। जैसे एक दिन हम गुरुजी के यहाँ पर ना उस टाइम सीडी नहीं मिलती थी, एक दिन हम मैं मेरे हस्बैंड और 2-3 संगत के लोग गाड़ी में जा रहे थे, और यही लग रहा था कि गुरुजी के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड और एक दो संगत और थी, तो उन्होंने बोला कि हम ना शीशगंज गुरुद्वारे या बंगला साहब गुरुद्वारे जाके ना उस सीडी मिलती है ना सीडी ले आएंगे मंदिर गुरुजी की, और हम घर में ये सुना करेंगे गुरुजी की, तो यहाँ सीडी मिलती नहीं है। तो मैंने ऐसे गाड़ी में बोला, मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन बोला था मतलब कहीं नहीं जाना, सब कुछ ही यहीं पे है। मैंने कहा जो कुछ देंगे मुझे गुरुजी देंगे, हम कहीं नहीं जाते, हमने सब भगवानों को माथा टेक लिया कि ऐसे मुझे गुरु मिले हैं, अब इसके आगे मुझे कहीं नहीं जाना। तो कहने लगे अब सीढ़ी लेने भी नहीं जाएगी किसी बंगला साहब शीशगंज गुरुद्वारे। मैंने कहा मैं किसी के बारे में वो नहीं बोलती, बट ठीक है, मैं वैष्णो देवी बहुत जाती थी, उनको भी प्रणाम कर दिया, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब जो कुछ वो करोगे गुरुजी ही अपने सब कुछ दिखा सकते हैं, एक गुरु ही सब भगवानों से मिलवा सकता है, मैं अभी तक किसी भगवान से नहीं मिली। तो जैसे हमारे पापा हमें सुनाते थे गुरु के बारे में, अब मुझे लगा कि मुझे सच्चे ही गुरु मिल गए हैं। तो ऐसे ऐसे कहने लगे, तो मेरे हस्बैंड वगैरह ने बोला तो बुढ़ी हो जाएगी तब जाके गुरुजी की सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी तो मिलनी नहीं है। मैंने कहा आप लोग चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी, आपको मना नहीं है, गुरुजी ही देंगे। अब लीव करो, जब हम एम्पायर स्टेट में गए, माथा टेका, जब चलने लगे और गुरुजी ने वो सिंगला अंकल को बोला सीढ़ी दे के आओ, वो बाहर जैसी चप्पल पहनने लगे वो भाग के आए। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, कभी सीढ़ी नहीं मिली थी, तो हमें वो सीढ़ी मिली। वो भजन थे उसमें, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। तो गुरुजी ने मतलब जो हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो गुरुजी को सब पता था कि हम क्या बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ये किया। तो ऐसे गुरुजी से हमारा प्यार जमता रहा, कैसे घर के काम होते थे, हम कैसे गुरुजी के पास छोटे छोटे बच्चों के बाद भी पहुंच जाते थे, दिन कट जाता था पता ही नहीं चला गुरुजी के साथ ऐसे ऐसे। तो ऐसे रेगुलर आने लगे। तो एक दिन की बात है, मेरी एक फ्रेंड है वो भी गुरुजी के पास ही आती है संध्या, तो वो भजन आ रहा था, वो भजन सुन रही थी। एक दिन शिव भोले भंडारी बनके ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, तो उसने बोला मधु ये गुरुजी पे सूट करता है। तो मैंने कहा हम ना गुरु और वो ना
ऐसे उसके ऊपर कथा भी है कि कृष्ण भगवान जो है उस दिन होली वाले दिन शिव का रूप बना के गोकुल में आते हैं। तो मैंने कहा हम होली वाले दिन ना गुरुजी को ना ये गाना सुनाएंगे, एक दिन शिव भोले भंडारी, तो गुरुजी तो हमारे शिव ही हैं। तो ये बात हम जब कर रहे थे उसके साथ वॉक कर रहे थे, तो बात अक्टूबर में की थी। तो फिर मैंने सबको बोला मुझे इस गाने की तैयारी करा दो, हम गुरुजी को सुनाएंगे। तो संगत के एक दो लोगों ने मुझे बोला वहां तो बड़े बड़े सिंगर आते हैं, गुरुजी तुमसे क्या गाना सुनेंगे। और हम मुझे भी फिर थोड़ा सा लगा, बट ये लगा कि मैंने कहा भगवान क्या सिंगर को ही बहुत करते हैं क्या, हम लोगों का तो बहुत भाव है कि हम गुरुजी को ये गाना सुनाएंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। तो बस उसके बाद मैंने वो तैयारी नहीं की और मुझे किसी ने गाना सिखाया भी नहीं। होली का दिन आ गया, होली का दिन आया, हम लोग अपनी सोसाइटी में नीचे होली खेलने जा रहे थे, होली खेलने जा रहे थे, इतने में बड़े मंदिर से मेरे पास फोन आया कि आंटी बड़े मंदिर में होली खेलने, गुरुजी ने बोला होली खेलने बड़े मंदिर में आ जाओ। मैंने सारे गुड़गांव के जितनी संगत को हो सकता था फोन किया कि बड़े मंदिर में होली खेली जा रही है, बट वो गुरुजी कलर से नहीं होली खेलते थे, मतलब होली का मतलब यही था कि आके माथा टेको, गुजिया प्रसाद लो और मंदिर साफ करो, अच्छा करो, उस टाइप से नहीं कि मंदिर को गंदा करना है, इस टाइप से होली के लिए बोला था। तो हमने कहा हम सब वहां मंदिर पहुंच गए। जब मंदिर पहुंचे तो वो गाना मैं शिव के आगे वो गाने लगे, एक दिन शिव भोले भंडारी, मुझे याद आ गया कि ये गुरुजी को हमने सुनाना था और होली वाले दिन गुरुजी ने बुला लिया। तो इतने में पुष्करना आंटी आ गई और लोग भी आ गए, सिंगल अंकल भी आ गए, तो वो मंदिर में गाना सुनाया। वहां पे उस टाइम गुरुजी नहीं थे, तो सिंगल अंकल ने बोला शाम को बड़े मंदिर में आओ, एम्पायर स्टेट में आके गुरुजी वहां पे बैठते हैं, गुरुजी को ये गाना सुनाना। फिर चुपचाप वहां, तो मेडिटेशन वाले दिन कोई बोल नहीं सकता, लेकिन होली का दिन था, हम लोगों को बड़ी मस्ती आई हुई थी। हमने कहा गुरुजी हर बारी तो आपका रूल चलते हैं, बहुत अच्छे रूल है, बट आज होली वाले दिन हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इतने में सिंगल अंकल ने बोला, हम पांच छह आंटियां थी, चलो आंटी गुरुजी को वो गाना सुनाओ। तो हमने वो गाना सुनाया गुरुजी को, छह सात आंटियां थी, एक दिन शिव भोले भंडारी बनके ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। तो गुरुजी ने एक लाइन ही सुनी क्योंकि उसके आगे हमें आता ही नहीं था, और थोड़ा सा हमने डांस किया तो गुरुजी बहुत हंसे और एकदम पिंक पिंक हो गए। और गुरुजी ने बोला आंटी ऐश करो, आंटी ऐश करो। हम सब देखने लगे किसको बोल रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला सारी आंटियां ऐश करो। और हम लोगों एकदम पिंक हो गए, बड़े सुंदर हो गए, स्माइल किया, हम लोग भागते भागते फटाफट घर आ गए और खुश हो गए कि गुरुजी को हमने ये बात अक्टूबर में बोली थी। और गुरुजी देखो भाव के सिंगर तो होते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाव भी भगवान मानता है, और गुरुजी ने वो आज के दिन हमें बुला के वो गाना सुनी लिया। तो ऐसे गुरुजी को सब बातें, कल भी सब पता था, आज भी सब पता है, गुरुजी से कभी कोई बात छुपी नहीं है, ये गुरुजी ने मतलब आज भी फील करवाया। और उसके बाद ऐसे ऐसे चलता रहा। अब गुरुजी का ये बताती हूँ, कुछ टाइम बाद गुरुजी ने जैसे समाधि ले ली 2007 में जब समाधि ली तो विश्वास नहीं हो रहा था हमें कि ये सब क्या हो गया, हम लोग मैं बहुत टूट गई, बहुत रोई। और उससे पहले क्या हुआ, दो दिन ही मेरे घर में ना किसी के यहाँ से मैं सीडी लेके आई थी, सीडी आ गई थी, मैं रोई, सारा जग रोया जदों मेरे गुरु अमर हुए। तो मैं वो सीडी सुन रही थी, तो मैंने कहा ये सीडी पहले तो मुझे अच्छी लग रही थी, फिर मैंने कहा ये क्या आ रहा है कि मैं रोई सारा जग रोया जदों मेरे गुरु अमर हुए, ये तो अच्छी नहीं है। मैंने सीडी उठाई और उसको तोड़ के उस टाइम में सीडी ऐसे रोलिंग वाली होती थी, उसको उसकी रील निकाली और तोड़ के फेंक दी। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये क्यों सुन रही हूँ। तो दो दिन बाद गुरुजी की ये न्यूज मिल गई, तो हम वाकई बड़े मंदिर में आके बहुत रोए कि ये सब कैसे हुआ, संभले नहीं जा रहे थे हम तो, इनको वैष्णो देवी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, गुरु को ही रब मान बैठे थे, ये तो गुरु भगवान नहीं निकले। तो थोड़ा सा मन में क्वेश्चन आने लग गए, ये सब क्या हो गया, भगवान तो कभी जाता ही नहीं है, ये क्या हुआ। तो ऐसे में रोती रहती, मेरी मम्मी भी घर आ गई, मैं संभल नहीं रही थी।
बस यही था कि ये सब क्या हुआ। फिर मेरे पास, मैंने कहा एक सीडी मेरे पास पहले आई थी, ये दो सीडी लेके आई थी, एक सीडी और थी, तो मैंने कहा चलो दूसरी सुनती हूँ उसमें क्या मैसेज है। तो वो जब मैंने चलाई तो दूसरी सीडी में ये थी, जो मेरा नानक सबको तारने वाला है वो कैसे डूब सकता है, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। मैं पूरी रात ही ये सीडी सुनती रहती थी, मेरा नानक सबको तारने वाला है, इतनी खुशबू दी, इतना अमृत दिखाया, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक उसी विश्वास में रहती थी और सुनती रहती थी। मैंने कहा ये सीडी जो मिली है तो इसका भी कोई मतलब होगा। तो ये सुनी रही थी और रोती भी थी, ये गुरु जी क्या हो गया, क्योंकि डेली मंदिर में आना, वो सब देखना, तो देखा नहीं जाता था। फिर एक यश अंकल है, वो भी गुड़गांव में रहते हैं, गुरुजी उनकी गाड़ी में आके बैठ गए, आवाज टेक की, तो गुरुजी ने बोला, पहले तो सोचा ये भूत भूत ये सब क्या है, तो गुरुजी ने डर गए, गाड़ी हैवी हो गई थी। फिर गुरुजी ने बोला कि तुमने क्या सोचा है, मैं चला गया हूँ, मैं शिवरात्रि को 6 बजे आऊंगा। तो ये उसको लगा कि पता नहीं मुझे नशा है या क्या हो गया, तो उसकी भी एक अलग ही हुआ है, क्योंकि ना वो जब गुरुजी के पास गए थे तो बड़े दुखी थे, सुसाइड कर रहे थे, तो गुरुजी ने उनको बहुत समझाया था सुसाइड नहीं करना, अपने कर्मों से भागना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब गुरुजी ने समाधि ली तो उसने फिर ड्रिंक करना शुरू कर दिया कि गुरुजी तो चले गए हैं। फिर गुरुजी आके गाड़ी में बैठे, नहीं मैं कहीं नहीं गया, तुमने क्या सोचा मैं चला गया हूं। तो हमने फिर जो इतना रो रहे थे, हमने फिर उनके घर में 6-7 आंटियां, पुष्कर अंकल भी, सबको बुलाया, आवाज सबने सुनी, समोसे खाए, जलेबियां खाई, बड़े खुश हुए कि गुरुजी तो वाकई रब है, गुरुजी कहीं नहीं गए। तो ऐसे समाधि लेने के बाद फिर मतलब गुरुजी ने हमें खुद ही संभालना शुरू कर दिया, और फिर वही लगन से रेगुलर बुलाना, बड़े मंदिर छोटे मंदिर सब जगह वैसे बुलाना, भागना, और कैसे मतलब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि घर भी सारा काम होता था और गुरुजी के पास भी पहुंच जाते थे। और एक दिन फिर वो बड़े मंदिर में, 2008 की बात है, होली का दिन था, हमने बड़े मंदिर में ऐसा तो प्रॉपर कभी लंगर बनाया नहीं था, थोड़ा बहुत ऐसे चले जाते थे। तो मुझे याद आ रहा, मैंने हम दिन में गए तो 5-6 आंटियां, सदा मासूम ठाकुर थी, यश था, 5-6 लोग थे हम लोग। तो हमने कहा मंदिर तो बड़ा सुनसान पड़ा हुआ है, एक बार हमने पिछली बारी होली कितनी अच्छी मनाई थी, तो अभी होली मनाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था एक दिन बैसाखी पे, बैसाखी के बाद तो गुरुजी ने वो यानी कल तू नहीं आई सी बड्डे मंदिर, तू आया करो, आंदे रहना। तो मैंने कहा गुरुजी हमेशा यही कहते थे बड्डे मंदिर आंदे रहना, कल तू नहीं आई सी ये बात बोली थी। तो हमने कहा आज होली वाले दिन कोई भी नहीं है पूरे मंदिर में, कोई नहीं था, कोई पुरानी संगत जैसे बहुत पहले की थी, कोई नहीं, कुछ नहीं, किचन ऐसे पड़ी थी खाली, मंदिर ऐसे खाली पड़ा, देख के बड़ी उदासी आ रही थी। तो हमने कहा चलो हम भी करते हैं। तो हम लोगों ने मिलके ना ऐसे ही, हमें ये भी नहीं पता था, बड़ा तवा होता था ना, उल्टा कौन सा सीधा कौन सा है, तो ऐसे बैठ के ना थोड़ा सा हमने लंगर बनाना शुरू कर दिया, थोड़ी खीर बनाई और लंगर बनाया, और उसके बाद जैसे मैसेज भी इधर उधर 2-4 संगतों को देना शुरू कर दिया कि बड़े मंदिर में आ जाओ, गुरुजी ने एक बार पहले भी बोला था होली वहीं मनाओ, तो आ जाओ सब लंगर करो। तो देखते देखते शाम को इतनी संगत आ गई, उस पहले उस टाइम इतनी मंदिर में आती नहीं थी, तो बहुत संगत आ गई, और हम लोगों ने, मैं थी, सदा थी और 5-6 लोग थे, थोड़ा लंगर बनाया हुआ था कि 60-70 या मतलब बहुत 60-70 तो नहीं, 150 के आसपास लोगों के बनाया हुआ था ऐसे लंगर। तो खीर भी थोड़ी 10 किलो के आसपास बनाई थी। तो हमने को देखा कि 600 चप्पल सदा तो चप्पल गिनने चलेगी, 600 संगत आ गई, कहने लगी चप्पल हम गिन के आए हैं, 600 संगत किया और बहुत सारी संगत और आती जा रही है, तो लंगर मधु और बना। तो मैंने कहा मैं कैसे बनाऊ, मुझे इतनी जल्दी तो आता नहीं है, सुबह तो हमने इतनी मुश्किल से पूरा दिन लगा दिया बनाते, तो कैसे बनाए। तो कहने लगी खीर तो खत्म हो गई, हमने देखा ड्रम में सच में रियली में खीर बिल्कुल खत्म थी, ऐसे हमने कहा हमें भी तो पहली बारी बनाया, हमें खाने को भी नहीं मिलेगी, हमने ऐसे टेस्ट करके ना ड्रम के साइड से ऐसे चखी, और हमने कहा चलो इतना ही टेस्ट कर लेते बहुत है, इतने में खीर का ड्रम पूरे भर गए और लंगर जितनी भी संगत आती गई हमें नहीं पता, कोई रात को लंगर नहीं बना, लंगर चलता गया और सारे संगत करते गए, इवन खीर तो इतनी हो गई सारी चारों प्लेटों में भर भर के हमने खीर खाई।
और घर भी लेके गए, इतनी ज्यादा खीर गुरुजी ने बढ़ा दी। तो ऐसे गुरुजी ने अपना प्यार दिखाते रहे कि मतलब आते रहो, सब कुछ करने वाले तो वही हैं, हम तो एक खाली वैसे ही हैं, कल भी वो थे आज भी वो हैं। तो ऐसे गुरुजी दिखाते रहे, हम जाते रहे। फिर उसके बाद जब रात को 11-12 बज गई, हम लोग मंदिर बंद करके जा रहे थे, मंदिर बंद करके जा रहे थे। जैसे पहले लंगर जोशी अंटी या सिंगला अंकल ये सब बनाते थे, तो उस दिन उनमें से कोई भी नहीं आया, ना सिंगला अंकल आए ना जोशी अंटी, जो भी पहले के लंगर बनाते थे कोई नहीं आए। तो ये सारी इतनी पुरानी संगत नहीं थी, सदा और हम बट गुरु जी से मिले थे, बट उतनी पुरानी नहीं थे कि हम लंगर बनाते हैं। तो उस दिन हम जब मंदिर बंद करके जा रहे थे, सारा वो साफ वगैरह मंदिर करके, पूरा गार्डन बड़ा मंदिर खुशबू से भर गया। फिर हमने रात को वहीं पे बैठ गए, और फिर 1 बजे तो मैंने देखा कि आज तो सिंगला अंकल या जोशी आंटी भी नहीं है, आज मंदिर में किसी ने कुछ छिड़क, पहले यही लगता था किसी ने कुछ शायद परफ्यूम डाल दिया होगा, ये कर दिया होगा, यही लगता था। मैंने कहा आज तो कोई भी नहीं है, सुबह से कोई नहीं था और हम लोगों ने पूरा संभाला है। तो पूरा ऐसे मंदिर खुशबू से भर गया, मतलब हम भूल जाते थे कि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, हमें घर में भी कुछ करना है। तो ऐसे गुरुजी समाधि ली, ले भी ली, तो उसके बाद भी जैसे गुरुजी हंसाने लग गए, खुश रखने लग गए कि मैं हूं, हम मंदिर आते रहे जाते रहे। मेरे मंदिर बड़े मंदिर बहुत चक्कर लगने लगे। तो बीच ऐसे तो गुरुजी ने एक बारी ना जब फिजिकल रूप में थे, तो न्यू ईयर का फंक्शन था, तो उन्होंने बोला था, मैं गोल्डन टेम्पल जा रही थी, तो मुझे नहीं पता था वहां न्यू ईयर का फंक्शन होगा, मेरे हस्बैंड ने 10 छुट्टियां ली थी, तो गुरुजी ने बोला था 10 दिन तुम मंदिर आओगी। तो तब हम फिर यही लगता था कि हर फंक्शन से पहले 8-10 दिन रेगुलर मंदिर जाए। तो ऐसे रोज मंदिर बहुत जाने लग गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रोज मंदिर जाती थी, तो मुझे डर लगता था कि मैं बहुत पैसे खर्च कर देती हूँ। उस टाइम ना मेट्रो भी नहीं थी, और ये दूसरे वाले ऑटो भी नहीं थे, और वो दूसरे चलते थे उस, तो उसमें 100 रुपए ऐसे बहुत मतलब मेरा किराया लग जाता था। तो रेगुलर आते जाते जाते खत्म हो गए मेरे पास जो पैसे थे। तो एक दिन मैं सोच रही थी हस्बैंड से मांगू नहीं मांगू, तो मैं मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज बचे थे। मैंने कहा ऐसे 10 दिन रेगुलर जाती रही, तो मैंने कहा आज 100 रुपीज बचे हैं और हस्बैंड को बोलूंगी तो कहेंगे सारे पैसे कहाँ गए, रोज तेरे खर्च हो गए थे पैसे, क्योंकि सारा खर्चा तो यही करते थे। तो मैं जब जाने लगी तो हिसाब लगाने लगी कि 10 रुपए मेरे वहां से ऑटो के लगेंगे, 10 रुपए मेरे इफ्को चौक से छतरपुर तक 10 वहां लगेंगे, 80-90 मतलब टोटल लगा के मेरे 110 रुपीज वन टाइम लगते थे या 120। तो मैंने कहा 100 रुपीज में मैं चलो चली जाती हूँ, थोड़ा रिस्क ले लेती हूँ, जो कम ऑटो वाला होगा ना उसमें चली जाऊंगी। तो ऐसे सोच के मैं हिसाब लगा रही थी, जा रही थी, जाने लगी तो मेरी बेटी है, उसने बोला मम्मा मुझे भुट्टा खाना है तो मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा लो गुरुजी, अब तो मैं आपके मंदिर आ रही थी और इसने भुट्टे के लिए पैसे मांग लिए, अब दोनों बच्चे भुट्टे खाएंगे तो 20 रुपीज और 80 रुपीज कम हो जाएंगे, 80 रुपीज हो जाएंगे। अब तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, मंदिर नहीं आ सकती, क्योंकि 80 रुपीज में मंदिर नहीं आ सकती, 100 में तो मैं रिस्क ले रही थी कि चलो मैं वेट कर लूंगी, कोई ऑटो कम सस्ता वाला आएगा चले जाएगा। मैंने दुपट्टा उठा के और बेड पे रख दिया। अब लीव करेंगे, जब मेरी बेटी भुट्टा लेने गई, एपेक्स सोसाइटी के बाहर ही भुट्टे वाला खड़ा हुआ था बिल्कुल साथ में ही, तो एक आदमी रेड कलर की गाड़ी में आया और गाड़ी खोली और बोला इन बच्चों से पैसे मत लेना, और पैसे देके चला गया। और मेरी बेटी भागवा के आई, मम्मा ये लो अपने पैसे। और मैंने कहा ये भुट्टा कहाँ से लिया, कहती है मुझे नहीं पता, एक आदमी आया था गाड़ी में और ऐसे ऐसे वो पैसे देके चला गया। और फिर मैं भाग के मंदिर गई। तो मतलब गुरुजी ने इतना मतलब कैसे, हमें लगता है कि हम जा रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। अगर गुरुजी एक दिन, तो मैं पहले बीच बीच में कभी कभी कहती थी मैं नहीं आऊंगी मंदिर, मैं नहीं आऊंगी, तो मुझे नरेंद्र दंड अंकल कहते थे अगर गुरुजी की मर्जी आंटी तो हर रोज मंदिर आएगी, और जिस दिन गुरुजी की मंदिर में मर्जी नहीं होगी ना तो मंदिर के बाहर पैर भी नहीं रख पाएगी। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, और वाकई ही आज जो है मैं मंदिर नहीं आ पा रही, तो ये गुरुजी की मर्जी है, कब कैसे उन्होंने वो करना है वो उनको ही पता है, मेरी मर्जी तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने ये
दिखा दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, एक खाक थी। उन्होंने अपना दर्शन देके इतना बड़ा, मतलब सोच नहीं सकती कि भगवान ने दर्शन देके हमें, मेरी तो लाइफ ही बदल दी। लाइफ में सुख दुख तो सब चलता रहेगा, लेकिन सच में संगत जी अगर ऐसे भगवान मिले हैं ना, तो होता है सबके साथ लाइफ में होता है। अब राम के साथ भी हुआ, सब भगवान है। हम लोग अपने कर्म कटवाने आए हैं और गुरु जी से प्यार करते हुए, गुरु जी से कोई शिकायत ना करते हुए, शिकायत होती है तो भी थोड़ा हम यही कहेंगे गुरु जी हम सबको पेशेंस दो, हम आपसे प्यार करें और आपके साथ सारे कर्म कटवा लें। आप कल भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये चीज गुरु जी ने बहुत दिखाई, बहुत कुछ किया। हाँ तो जय गुरु जी की अंकल। और सुनाओ अंकल के, टाइम हो गया। आंटी आपके पास अभी 15-20 मिनट है, अगर आप चाहें तो आप सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है गुरु जी। और एक दिन गुरुजी बोलते थे जब मंदिर से घर आते हो ना, घर से मंदिर आते हो तो रास्ते में कहीं नहीं रुको, चाहे मंथ में एक बार भी आओ, सिक्स मंथ में आओ तो। और ये भी बोलते थे नई संगत को एक बार ही लेके आओ, और उसके बाद वो आए या ना आए वो गुरुजी जाने या भगवान जाने। तो हम अपनी सोसाइटी से यही गुरुजी ने ज्यादा तो नियम और रूल का कुछ किया ही नहीं, छोटी सी बात बोली हुई है, छोटी छोटी चीजें कि मोबाइल बंद रखो और सीधा आओ सीधा जाओ। तो मुझे यही लगता था कि गुरुजी ने इतनी छोटी सी बात बोली है, सीधा आओ मंदिर सीधा जाओ, तो मुझे कहीं नहीं रुकना। तो एक दिन हम आ रहे थे गाड़ी से, तो मेरे साथ और भी आंटियां थी, उनकी गाड़ी में आ रहे थे, तो रास्ते में अमरूद वाला आया। तो एक आंटी ने बोला कि ये अमरूद बड़े मीठे हैं, हम ना गुरुजी के मंदिर से माथा टेक के आएंगे, जब जाएंगे ना जाते टाइम अमरूद ले लेंगे। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं जब गुरुजी के पास बड़े मंदिर गई, हॉल में माथा टेका ना, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, आपने तो छोटी सी आज्ञा दी है कि सीधे मंदिर से आओ और मंदिर में जाओ, रास्ते में कहीं नहीं रुकना। अब ये आंटी तो बोल रहे हैं कि रास्ते में से, मन में ही बोल रही थी कि रास्ते में से अमरूद लेंगे, तो गुरुजी मैं क्या पैदल चली जाऊं, मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगी है, मैंने तो गुरुजी आपकी आज्ञा के अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। तो ऐसे बैठ के माथा टेका और बड़ी कश्मकश में थी क्या करूं, गुरुजी पैदल जाऊं अकेली एरिया इनको बोलूं, तो ये सब चीज चल रहा था। और मैंने ऐसे माथा टेका और गुरुजी को अपनी सारी बातें बताई और माथा टेक के मैं पीछे की साइड से जा रही थी, कुटिया की साइड से। कुटिया की साइड से जैसे ही पीछे की साइड से जा रही थी, वहां मुझे एक अमरूद मिला। मैंने कहा अरे अमरूद, फिर जब गुरुजी का झूला है वहां मुझे 2-3 अमरूद मिले, मैंने कहा अरे अमरूद, फिर कुटिया के वहां ऐसे से पीछे की साइड भी एक पॉन्ड बना हुआ है, वहां पे अमरूद का पेड़ है, लेकिन कभी मैंने लगते हुए नहीं देखे अमरूद वैसे वहां पर। फिर मैंने वहां देखा, वहां पहले सारे, मतलब पहले कुटिया के बाहर एक, फिर झूले के बाद 4-5, फिर पीछे के पॉन्ड के बाद 10-12, फिर पीछे की साइड जो गार्डन है पूरा पूरा अमरूदों से भरा हुआ। मैं सब आंटियां जो 5-6 थी मेरे साथ आई थी, सबको बुलाया, मैंने कहा आंटी आंटी इतने सारे अमरूद, तो सबने झोलियां भर ली। फिर वहां पर एक विशाल सेवादार था, मैंने उसको बोला किचन में से पोलोथीन लेके आ, हमारे पास तो इतने सारे अमरूद हो गए। तो सबने पोलोथीन भर भर के वो ली। मंडे का दिन था, हम मतलब घर भी लेके आए और सबको मंदिर में बांटी भी। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि मतलब अगर तुम अब मेरी आज्ञा के आगे नहीं जा रहे तो मैं सब कुछ यहाँ पे तुम्हें दे सकता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब गुरुजी ने कैसे ये सब कुछ वो दिखाया। और गुरुजी ने जैसे एक बारी मेरे को बोला था, जो गुरुजी की बात याद आ रही है, एक बारी मुझे बोला था एम्पायर स्टेट में गेट नंबर 2 पे बैठ, 2 पे बैठ। तो मुझे तो पता ही नहीं गुरुजी ने कौन सा गेट नंबर 2 पे बैठ बोला। मैं तो वहां गोपाल सेठी अंकल खड़े थे, उनसे पूछा एम्पायर स्टेट की बात है, तो बाहर गार्ड के वहां गई इधर गई, तो समझ नहीं आया गुरुजी ने कौन सा बोला गेट नंबर 2 पे बैठ। और एक दिन और मैंने जो गुरुजी के मुंह से शब्द सुनी, आवाज सुनी मीठी जो भी है, एक दिन और कोई आया था, गुरुजी उसको बोल रहे थे तेरी वाइफ को कैंसर कैंसर है,
तो उसको पसीने छूट गया, फर्स्ट टाइम वो आया था और उसने किसी को नहीं बताया, और गुरुजी लोटा लेके आया हुआ था, तो गुरुजी ने उसको बोला लोटा ब्लेस करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी वाइफ को बोलो चोरी चुगली चलाकी चापलूसी चौचा वाले वर्ड छोड़ छट दे। तो ऐसे गुरुजी ने बोला, तो गुरुजी को सब बातें पता होती थी। एक बारी और क्या हुआ था, मेरा बेटा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, वहां पे एक बच्चे का ना बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। तो स्कूल वालों ने अनाउंस, उसके फादर नहीं थे आर्मी में थे, स्कूल वालों ने अनाउंस किया कि इसकी जो हो सकता है इसके फादर नहीं है, और इसकी जो हो सकता है हेल्प करो, इनका बहुत खर्चा आ रहा है पैसे काफी 70 लाख के आसपास, और इनकी मदर की कंडीशन नहीं है इतने पैसे खर्च करने की। तो मेरे बेटे ने वो जब उस बच्चे को देखा, उसकी क्लास का ही था, और सारा खून खून देखा, तो वो घर आके सोया नहीं, बहुत रोया, मम्मा मम्मा उसकी हेल्प करो। शांतनु नाम था, गुड़गांव में सुशांत लोक में रहता है। तो कहने लगा कि मम्मा मम्मा उसके पापा भी नहीं है, उनकी हेल्प करो, और उनका इतना इतना खर्चा आ रहा है, और कुछ कैसे भी उनको ठीक करो। बहुत रोया, रात को सोया नहीं। तो मैंने कहा देखो हमारे पास तो एक है, हम कितना दे पाएंगे, 5,000 10,000, हमारे पास तो एक ही सहारा है, हम गुरु जी के पास ले जाएंगे। तो ऐसे मैं वो कर रही थी, बट वो कह रहा था नहीं मम्मा उसको जल्दी से ठीक करो। तो मैं जब गुरु जी के पास पहुंची तो मन में यही चल रही थी चल रहा था, सैटरडे का दिन था, मन में यही चल रहा था कि गुरुजी मैं उसको ठीक करने के लिए कैसे करूं, बच्चा मेरा बहुत रो रहा है कि उसको ठीक करो, उसको ठीक करना है। तो गुरुजी ने इतने में बोला कल मंडे नो उन्नू बड़े मंदिर लेके आई। तो मैंने कहा अरे गुरुजी तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि ऐसा लगा कि मंडे नो उन्नू बड़े मंदिर लेके आई। तो मैंने मन में ही बोला गुरुजी आप तो मंडे को मंदिर में आते ही नहीं बड़े। तो गुरुजी ने इतने तेज बोला मैं आवांगा। फिर मैंने कहा अरे ये तो मेरा ही जवाब आ रहा है। फिर मैंने मन में बोला गुरुजी आप तो आओगे, बट वो लेडी उसके हस्बैंड भी नहीं है और बच्चे की ये कंडीशन है, वो कैसे आएगी। तो गुरुजी ने बोला वो भी आएगी। मैं वो हो गई, मैंने कहा ये तो सारे हो गए। फिर मैंने मुझे यही विश्वास हो गया, जो भी मैं बात कर रही थी तो गुरुजी ये कह रहे थे मंडे नू वड्डे मंदिर लेके आई, मेरी बड़ी ब्लेसिंग है उन्होंने ही लेके आई। तो मेरे को ये अब पक्का कंफर्म हो गया कि गुरुजी जो है मुझे ही मेरे आंसरों का जवाब दे रहे हैं, और बड़ी तेज बोल रहे हैं, मैं मन में बोल रही हूँ तेज बोल रहे हैं। मैं उनके घर, मुझे उनका घर नहीं पता था, पर मैं स्कूल से नंबर वंबर लेके उनके घर पहुंच गई संडे को। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे गुरु ना आपको ब्लेस करेंगे, और आप ना मंडे को मंदिर शाम को 4 बजे मंदिर चलेंगे, आप भी आ जाना, हम आपको ले जाएंगे, हमारे गुरु जी आएंगे। वो भी तैयार हो गई, जैसे गुरु जी ने बोला वो भी आएगी, तैयार हो गई। मैं तो बड़ी आराम से पकौड़े वगैरह बनाए और ऐसे ही लेके चली गई, चली गई। और एक और आंटी संगत की थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने सुना था गुरुजी ना मंडे को कभी मंदिर आते नहीं थे, मैं फंक्शन पे आते थे। तो मैंने कहा गुरुजी कह रहे थे मैं मंदिर आऊंगा, तो चल मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद वो पहुंच गई, जब पहुंचे तो मंडे को गुरुजी मंदिर में आए हुए, और जहाँ कॉफी स्टैंड है और जो गार्डन है वहां चेयर पे आके बैठे हुए थे, आ गए। अरे मैं तो बड़ी खुश हो गई कि सच में गुरु जी आ गए। तो मैं इतनी खुशी में पागल या घमंड में पागल, जो मर्जी कह लो, बट उस दिन गुरु जी ने मुझे बहुत डांटा। मैंने एकदम से ना गुरु जी के ऊपर ना गरम गरम जो पकौड़े थे पोलोथीन में थे ऊपर रख दिए। तो गुरु जी ने बड़ी तेज बोला मैं की करा, ऐसे डांटा। मैं थोड़ा सा पहले रोई और फिर बाहर चली गई, जशूस का रैक होता है, फिर मैं आंखों के आंसू पहुंचे, फिर किसी बच्चे के पास के उसके थ्रू पकोड़े भेजे। तो गुरुजी ने फिर हमें उस दिन मंदिर से जाने नहीं दिया, थोड़ी सी आंटियों को। और रात को 17 मई की बात है, गुरुजी ने समाधि लेने से पहले रात को 9:30 तक बिठाए रखा, फिर हमें लड्डू प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद पिलाई, पकोड़े खिलाए, फिर अपने पास बिठाए रखा, फिर गुरुजी ने आज्ञा दी। फिर ऐसे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी से प्यार भी बहुत मिला, डांट भी मिली, लेकिन अच्छा लगता है। ऐसे ना कोई प्यार करने वाला है ना डांटने वाला है, गुरुजी आप हमेशा प्यार भी करते रहना, डांटते भी रहना, संभालते भी रहना। तो इसके साथ ही अंकल मैं सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ।